नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश अनुसार शहर के बैंक प्रतिष्ठान जहां से लेन देन होता है उन स्थानों की चेकिंग की गई। जी हां, खबर है धार के मनावर से, जहां मनावर में कोरोना वायरस बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश एवं एसडीओपी करण सिंह रावत के मार्गदर्शन में नवागत थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय ने अलग अलग टीम बनाई गई, जिसमें स्वयं भी शामिल होकर शहर के बैंक की उसके शाखाएं प्रतिष्ठान जहां से लेन देन होता है उन स्थानों की चेकिंग की गई और सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए समझाइश दी गई। शहर के यातायात में बाधा बने थैला गाड़ी वाहनों को हटाया गया और टू व्हीलर वाहनों को दुकानों बैंकों प्रतिष्ठानों के सामने खड़े कर यातायात अवरुद्ध करने वालों और सही नंबर नहीं लिखने पर चालानी कार्रवाई की गई। यह अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि आमजन सोशल डिस्टेंस का पालन एवं वाहन चालक अपने वाहनों को सुरक्षित और सही पार्किंग नहीं कर रहे हैं। यही मनावर सर, आज जो आपने नगर भ्रमण किया सर, उसमें क्या अव्यवस्थाएँ पाई गई और क्या आप सुधार करना चाहेंगे? आज पुलिस थाना मनावर के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर की जो भी बैंकें हैं जहां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जहां से पैसों का लेन देन होता है उन सभी स्थानों पर पुलिस के द्वारा रैंडम चेकिंग की गई है। संदिग्धों को चेक किया गया है और वहीं साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन नहीं हो रहा था उस संबंध में पालन करने हेतु प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं उन लोगों को भी निर्देशित किया है और आम जनता को भी समझाइश दी है कि वो इस बीमारी के दौरान अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए जागरूक रहे और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। सर, आगे भी ये कार्रवाई जारी रखेंगे? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नगर के व्यापारी बंधु हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो अपनी दुकानों के सामने जो बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े रहते हैं जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो भी जो ग्राहक आते हैं उनको समझाइश दें कि वो वाहन ठीक से पार्क करें। आज कुछ वाहनों की हमने चालानी कार्रवाई की है, कुछ एक वाहन मिले थे जिन पे सही तरीके से नंबर नहीं लिखे थे और अन्य चीज़ें उस पर लिखी हुई थी उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की है। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।